This is Anirudh Walia. Welcome to my YouTube channel. तो आज इसमें देखो CBSE जो केमिस्ट्री के लिए है आज उसमें थोड़ी बहुत उसके बारे में बात करेंगे. बोर्ड के लिए स्पेशली बात करेंगे कि बोर्ड में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर का क्या वेटेज है. चैप्टर वाइज गाइडेंस मैं आपको दूंगा, ठीक है. क्लास 12th एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ की IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम तो सबको देना ही है, ठीक है. तो बात करते हैं फटाफट. देखो CBSE केमिस्ट्री पेपर की मैं बात करूँ तो टोटल 70 मार्क्स का इसमें थ्योरी का एग्जाम होता है और 30 मार्क्स में लैब का एग्जाम होता है, ठीक है. तो टोटल 100 नंबर का पेपर होता है केमिस्ट्री में. टोटल केमिस्ट्री 12th की मैं बात करूं तो टोटल 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है. वन बाय वन मैं आपको वेटेज बताऊंगा. रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी रहेंगी क्लास 12th वालों के लिए, एक तो NCERT केमिस्ट्री, नो डाउट उसको फॉलो करना ही है ईमानदारी से. ऑल NCERT तो CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं. 10 ईयर की भी एक बुकलेट आती है, आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, या PDF भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है. PDF डाल के सर्च करोगे तो PDF भी अवेलेबल है नेट पे, ठीक है. तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी से लगा देने स्टार्ट करने हैं. जो चैप्टर आपका होता जा रहा है जैसे केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वन बाय वन आपको वो हर चैप्टर की जैसे ही आप NCERT सॉल्व कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर भी 7 साल सॉल्व करके जाओ, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता रहे, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती रहे, ठीक है. तो बात करते हैं केमिस्ट्री की. वेटेज टू कंटेंट सब्जेक्ट यूनिट्स पर चैप्टर में आपको वेटेज बता रहा हूँ. देखो सॉलिड स्टेट की मार्क्स टोटल 4 मार्क्स की यूनिट पूछी जाती है CBSE में. इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से क्या रहेगी, फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है तो जो FCC BCC का छोटा मोटा रिलेशन है या क्रिस्टलाइन एमोर्फस में डिफरेंस, या मैं बात करें तो डिफेक्ट्स जो लास्ट टॉपिक है, वो सब यहाँ से सॉलिड स्टेट से इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए. सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो लिक्विड सॉल्यूशन है, इसमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मेटिक प्रेशर. तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है. राउट्स लॉ से क्वेश्चन बनता है, और यदि थ्योरी क्वेश्चन बना तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो नो डाउट नर्न्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क्स की यूनिट है. देखो न्यूमेरिकल तो आप पक्का पक्का आएगा क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हैं और फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है. नॉन्स्टिक क्वेश्चन, बैटरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कंसंट्रेशन सेल्स वगैरह. केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो सब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, ठीक है. इससे आगे आ जाना आपकी जरूरत नहीं है, थर्ड ऑर्डर की पढ़ने की जरूरत नहीं है NCERT CBSE के लिए. और मैं बात करूँ कॉलिजन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आरिनियस इक्वेशन पक्का क्वेश्चन आ सकता है. सरफेस केमिस्ट्री 4 मार्क्स यूनिट है, इस पर आप ध्यान देंगे, मैं पूरा लेसन बना दूंगा जल्दी पूरा सरफेस केमिस्ट्री पे. अब बात करें 6 यूनिट मेटलर्जी, प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, ये सब सारी प्रोसेस 3 मार्क्स में पूछी जाती है, डायरेक्ट एक प्रोसेस, ठीक है. लीचिंग क्या है, ये सब प्रोसेस. टी ब्लॉक के लिए मैं आपको चैप्टर वाइज मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए. 15 और 18 मैंने कवर कर लिया, जो बाकी बच गए हैं मैं जल्दी कवर कर लूँगा. 8 मार्क्स का ये यूनिट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. DF मैंने पूरा डाल रखा है, इसके लिए आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उतना पढ़ के चले जाएंगे, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूँ. और अपना NCERT के क्वेश्चंस लगा लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 मार्क्स का यूनिट है, ठीक है. क्रिस्टल थ्योरी वगैरह पूछा जाता है इससे. हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, ठीक है. NCERT सॉल्व करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स पूछा जाता है, डायरेक्ट रिएक्शन पूछ जाती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है. ये सब रिएक्शन आपको पूछी जाएंगी. विट्स रिएक्शन ऑर्गेनिक में आएगा, हेलो एल्केन, हेलो एरिन. 11th यूनिट की मैं बात करूँ तो एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, ठीक है. एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिला के 10 मार्क्स का बनता है, 4 मार्क्स एल्कोहल वाले के लिए. एल्कोहल की डायरेक्ट प्रिपरेशन पूछ लेते हैं या फिनोल्स वगैरह से इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछ लेते हैं. एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्डोहल कंडेंसेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एल्डोहल कंडेंसेशन सब पढ़ के जाएंगे, मैं पढ़ा भी दूंगा जब जैसे जैसे वीडियोज आती रहेंगी, टेंशन ना लीजिए. ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन 4 मार्क्स यूनिट है. इसमें जो साल्ट बनता है डाइएजोनियम साल्ट, वो उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो वो आप स्पेशली पढ़ेंगे. बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो भी काफ़ी टाइम है बायोमोलिक्यूल्स के लिए, 4 मार्क्स की यूनिट है. मैं पूरा बायोमोलिक्यूल जल्दी आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ. पॉलीमर्स अगेन 3 मार्क्स की यूनिट है, यहाँ से डायरेक्ट प्रिपरेशन पूछ लेता है, बैकेलाइट का रिएक्शन वगैरह ये सब आपको, बैकेलाइट, फॉर्मल्डिहाइड, टेफ्लोन, इन सब की डायरेक्ट पूछता है. मैं आपको बता दूंगा कौन कौन क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ठीक है. पेपर से पहले आपका सब कवर हो जाएगा. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करें तो डायरेक्ट 3 मार्क्स की यूनिट है. बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं इस यूनिट को, बहुत अजीब सी लगती है उन्हें, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लीजिए, मैं कवर करवा दूंगा. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 3 मार्क्स की यूनिट है, अभी आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, आप स्टार्टिंग यूनिट्स पर ज़्यादा फोकस करें और साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, यही मेरी गाइडेंस है. टोटल 70 मार्क्स यहाँ से ही बनते हैं, और लैब के लिए आप अपने जो एक्सपेरिमेंट्स है वो लास्ट में जनवरी में भी स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो जाएंगे. अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें बोर्ड में अच्छे मार्क्स करने लाने के लिए, और NCERT साथ साथ सॉल्व करते रहें.
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।